तो सबसे पहले राहुल जी, तारापुर मुंगेर में हो रही मीना देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में जितनी टीम है और जितने खिलाड़ी हैं सबको हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल भाई, शुभकामनाओं का मतलब ये होता है कि आप परफॉर्म करो और आप हंसते खेलते मैदान में आओ और हंसते खेलते मैदान से जाओ, जीत के जाओ। क्योंकि मैं यार जानता हूं यार, इस तरह की टूर्नामेंट्स में ना हारने कोई नहीं आता। तो आज हम डाल रहे हैं पर्ची से 16 टीमों की पर्ची, 16 टीमों की पर्ची डाल रहे हैं भाई, किसका मैच किसके खिलाफ और कब होगा। तो ये रिस्की काम आप करेंगे या मैं मैच शुरू करूं? नहीं, मैं ये ना डाल देता हूं, आप उठाने का काम कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये जिस पे से पहला ओपनिंग के लिए उठेगा, फिर सेकंड मैच के लिए उठेगा, फिर थर्ड मैच। पहला हमें दो दो पर्चियां निकालनी, दो पर्चियां निकालनी है। सबसे पहले दो पर्चियां निकलेंगी इनमें से जो पहला मैच खेलेंगे, फिर दो पर्ची हम निकालेंगे जो दूसरा मैच खेलेंगे, यानी कि चार टीमों की किस्मत। अब यार ये बताइए कि आप आइडियली पहला मैच खेलना चाहोगे या दूसरा, या आप कहोगे नहीं यार बाद में आए मैच। मैं बताऊं, मैं खेलना चाहूंगा पहला ही मैच। मैं भी पहला मैच। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि निशांत सिंह जो है, जो अपनी माता जी के नाम पे ये टूर्नामेंट का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं बड़ी। वो लेकर आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं भाई, सेलिब्रिटी क्रिकेटर को लेकर, और साथ में आप दोनों भी सेलिब्रिटी। बिल्कुल, हम तो देखो आपके बड़े भाई हैं, ये हो सकता है आपके छोटे भाई हो। नहीं नहीं, बट मैं तो बड़ा भाई हूँ। मैं तो देखिए, आपको पता है कि जो उम्र है वो उम्र है। और देखिए, मैं तो यार राहुल ये भी चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स तक के जरिए जितनी हौसला अफजाई हम कर पाए, जितना हम इंकरेज कर पाए वो भी करें। तो आपके जो मैचेस होंगे ना, जो आपकी टूर्नामेंट होगी, वो कई दिन चलेगी, लेकिन उसमें से जो बेस्ट ऑफ होगा और जो ओपनिंग सेरेमनी है या जो फिर फाइनल होगा, भाई साहब स्पोर्ट्स तक पे भी उसकी कवरेज होगी। तो हम खुद आ रहे हैं वहां पर आप सबको मिलने के लिए। तो मैं ये पर्चियां यहां पर डाल रहा हूं, आपको उठानी है, और जिसकी पर्ची निकलेगी उसके लिए क्या होगा, क्योंकि इनॉग्रल मैच यानी पहला मैच वो खेलेंगे एक तो, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम बहुत लंबा चले गए टूर्नामेंट, मतलब सीजन दर सीजन दर सीजन, तो पहले मैच में इस टीम को ये मौका मिलेगा, दो टीमों को कि उस क्रिकेटर के साथ इनॉग्रेशन जब वो करने आएंगे उनसे मुलाकात भी होगी। तो शुरू करते हैं, एक सेकंड, मेरे को देखा नहीं है इसमें क्या है। चलिए आप उठा लीजिए, हमने पहले इसको हिला भी देते हैं थोड़ा, हाँ। ये ना हो कि ठीक है जी। तो पहली पर्ची मैं निकालूं, पहली पर्ची जो निकल रही है, पहली टीम पहले मैच की, वो है बख्तियारपुर ब्लास्टर्स सहरसा। तो ये है पहली टीम जो खेलेगी पहला मैच। तो बख्तियारपुर की जो टीम है, बख्तियारपुर ब्लास्टर्स इनका नाम है, सहरसा से। ये लो जी, आपकी टीम तो पहला मैच खेल रही है, अब आप किसके खिलाफ खेलेंगे वो पर्ची भी चलिए निकाल लेते हैं। पीडीएमसी क्लब है ये, पीडीएमसी क्लब जो है ये पहला मैच खेलेगी सहरसा की टीम के साथ। तो आप तो ये है जी, बता देते हैं कि मीना देवी मेमोरियल कप का पहला यानी इनॉग्रल मैच जो है वो होगा बख्तियारपुर ब्लास्टर्स वर्सेस पीडीएमसी क्लब। तो मुबारक हो यार आप लोगों को भी। 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल की सिग्निफिकेंस बताइए क्या है, उस 2 अप्रैल की 2011 वर्ल्ड कप आप सबको याद होगा, 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल भी आपको याद होगा, तारीख भी याद होगी। 2 अप्रैल, चलिए अब हमने क्या ऐसा हो सकता है कि उसी वर्ल्ड कप का, बस 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 अब आप हिंट मत दीजिए, बस 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 अब दूसरे मैच दिन का दूसरा मैच, पहले दिन का दूसरा नहीं, या हो सकता है टूर्नामेंट का दूसरा, टूर्नामेंट का दूसरा मैच टूर्नामेंट का दूसरा मैच खेला जाएगा। सिया इंफ्रा दिल्ली की टीम है, ओए होए होए होए, साढ़े दिल्ली के मुंडे जा रहे, ये है जी सिया इंफ्रा दिल्ली की टीम है। तो अब दूसरी टीम आपने, तीन टीमें हो चुकी हैं, दूसरा मैच का है, दूसरे मैच की तीन टीमें निकल चुकी, यानी पहली दूसरे मैच की पहली हो गई और अब आ रही है दूसरी, और ये है आपकी टीम रोशन इलेवन माकवा। तो रोशन इलेवन माकवा, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरा मैच जो इस टूर्नामेंट का, इस सीजन का जो खेला जाएगा, वो खेला जाएगा सिया इंफ्रा दिल्ली और रोशन इलेवन मकवा के बीच, और पहला मैच खेला जाएगा पीडीएमसी
वर्सेस बख्तियारपुर ब्लास्टर्स के बीच। चलो जी जल्दी जल्दी आ रहे हैं और बस आप लोगों को शुभकामनाएं। नहीं नहीं सारे टीम का निकाल, अच्छा अभी निकालना सभी फटाफट। हाँ चलो अब ये तीसरा मैच, पहली तीसरा मैच फटाफट बस कर देना। एएनसीसी ममाई तीसरा मैच वर्सेस निर्मल सिंह 11 गनेली। चलो ये इनका मैच हो गया, याद रखिए ये तीसरा मैच हो गया आपका जी। उसके बाद आ रहे हैं अंकित 11 बांका और मैच। ये खेलेंगी, चौथा मैच होगा अंकित 11 बांका वर्सेस एमएससीसी फरबसगंज। अब अगला मैच आ गया जी हम फटाफट। श्रीनिका इलेवन और राहुल इनका मैच होगा, ये खेलेंगे किंग्स इलेवन यार पंजाब किंग्स इलेवन है, नाम चुन चुन के रखे आप लोग। नेक्स्ट मैच ड्रीम इलेवन कहलगांव निकालिए वर्सेस ये है शांति निकेतन बलिया। नेक्स्ट मैच मैं ये बताइए मुझे, ये दो ही निकलेंगे, एक आप खोलिए एक मैं, तो पहला मैं खोल देता हूँ। ये हेलो फ्रेंड्स मुंगेर, ये तो लोकल टीम है, ये तो जी लोकल टीम है और लोकल टीम खेलेगी एलसीसी शंकरपुर। एलसीसी शंकरपुर के साथ और ये लास्ट मैच और कर दीजिए लीग का लास्ट मैच, समापन भी कर दीजिए। शेखुपुर स्ट्राइकर्स शेखपुर स्ट्राइकर्स, ये स्ट्राइकर्स वर्सेस एनएससी खगड़िया। तो ये सारे ग्रुप मैचेस होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैच वन विनर वर्सेस